स्टॉक का नाम है अनूप इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है। कंपनी जो है 2017 में अरविंद लिमिटेड से डीमर्ज हुई थी। लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, जाना माना नाम है। और कंपनी का कारोबार अगर आप देखें तो काफी बढ़िया, हीट एक्सचेंजर्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स का कारोबार है। ये केटर करते हैं ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, एरोस्पेस, फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स को। और क्लाइंट लिस्ट अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल इनका। L&T, इसरो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बासव जैसे दिग्गज ग्राहक जो है इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा और स्टॉक में तेजी का कारण बनेगा इसका क्षमता विस्तार। कंपनी अपने खेड़ा प्लांट में 200 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिससे इनकी जो कैपेसिटी है वो करीब 125% बढ़ेगी। और यहां से माना जा रहा है कि जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं, नए ऑर्डर्स हैं, उसमें काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। FY21 पूरा अगर आप देखें तो सभी कंपनीज के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी को 2 महीने का नुकसान हुआ, फिर भी जो पूरे FY21 के नतीजे अगर आप देखें तो बहुत शानदार थे। और खास तौर पर जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं वो तो काफी बढ़िया देखने को मिले थे, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है वो 229% बढ़कर 28 करोड़ रहा। कामकाजी मुनाफा डबल से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी चौथी तिमाही में, करीब 16 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ रहा था। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है फिलहाल वो काफी बढ़िया नजर आ रही है, 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और फिलहाल कंपनी के जो 14% आय है, टोटल टॉप लाइन है, वो एक्सपोर्ट से आती है, लेकिन मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि इसे वो 50-50 कर देंगे, यानी 50% जो है रेवेन्यूज वो आगे जाकर एक्सपोर्ट से आएगी, इसका कंट्रीब्यूशन आपको बढ़िया बढ़ते हुए नजर आएगा। इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात अनिल जी ये नजर आती है कि फंड्स और इंस्टीट्यूशंस का भरोसा इसके ऊपर काफी ज्यादा है। टोटल DIS की होल्डिंग अगर आप देखें तो 16.7% है DIS की, इतनी बड़ी होल्डिंग है। और साथ में अबेकस इमर्जिंग फंड जो कि सुनील सिंघानिया साहब का फंड है, यहां पर अगर आप देखें तो इस कंपनी में ये करीब 5.85% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स पूरे कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। ऐसे में फोकस करना है उन स्टॉक्स पर जहां पर वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। और इस स्टॉक में अगर आप देखें तो कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, केवल 16 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है, 2.5 times प्राइस टू बुक है। 19% का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, माफ कीजिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये एंजॉय करती है। अनिल जी स्टॉक आगे जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देने के आसार हैं अनूप इंजीनियरिंग। अनिल जी बैक टू बैक कैपिटल गुड स्पेस फोकस में आपके आ रहा है, सर बताएं अनूप इंजीनियरिंग के बारे में क्या खास है? इस स्टॉक को मैं अलग नाम दूंगा दीप, और वो मैंने पांचवा पॉइंट रखा, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं पहले ही बता दूं इसका नाम मैंने रखा है कंपाउंडिंग मशीन। क्यों कंपाउंडिंग मशीन है ये स्टॉक, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहला कैपेक्स साइकिल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो कंपनियां अब बड़े कैपेक्स साइकिल में जा रही है और जिन कंपनियों को कैपेक्स करना है उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली कंपनियां ये रहेंगी रडार पर। और अनूप इंजीनियरिंग इसी तरह से कैपिटल गुड्स के स्पेस में कामकाज करने वाली कंपनी है। अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपना कैपेक्स करना है, अपने एक्सपांशन करना है, अपने नए प्लांट लगाने, तो उन्हें अनूप इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती, तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है। कंपनी 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान ऑलरेडी ले चुकी है, अभी इनके 450 MT की क्षमता है जो बढ़कर दुगुनी हो जाएगी, 1000 MT, यानी कि अब कंपनी बड़े ऑर्डर्स ले पाएगी। अभी एक छोटी साइज के ऑर्डर्स ले पाती है, अब इस कैपेक्स साइकिल भरने के बाद बड़े ऑर्डर ले पाएगी। और कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है लाजवाब है, गजब का एग्जीक्यूशन है, 95% ऑन टाइम डिलीवरी की कंपनी की कैपेसिटी है, जो कि इस तरह के बिजनेसेस में बहुत कम आपको देखने को मिलती है। पिछले साल कंपनी ने अब तक का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर दिया, वो भी तब जबकि कोरोना काल में इतनी मुश्किलों के बावजूद कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 300 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, यानी कि एग्जीक्यूशन को लेकर जो आमतौर पर समस्या होती है कैपिटल गुड्स कंपनियों में वो बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी के साथ। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच है, कहीं कोई कर्ज नहीं है। और सबसे बढ़िया बात भी एक और देखिए कि जो कुछ भी एक्सपांशन प्लान 200 करोड़ का कर रहे हैं उसके लिए इन्हें कोई कर्ज लेने की जरूरत है नहीं। 50-53 करोड़ का नेट कैश इनफ्लो आया है इनके पास वित्त वर्ष 2021 में, यानी कि अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट कर रही है और डेट नहीं ले रही, बिना डेट के इंटरनल अक्रूअल से अपना एक्सपांशन प्लान पूरा कर रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। और इसके साथ ही चौथी चीज ये, प्रमोटर्स और बड़े फंड्स का भरोसा बरकरार है। प्रमोटर्स में ऑलरेडी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी करीबन 1.5-2% बढ़ाई है। HDFC म्यूचुअल फंड बड़ी हिस्सेदारी रखता है, जैसा अभी सुनील सिंघानिया साहब के लिए उनका एबेकस करके फंड है, उन्होंने करीबन 5.6% के आसपास हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीदी हुई है। और उनकी तो महारत है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को बहुत सही समय पर चुनने की और बड़े गेंस बनाने की। तो अच्छे फंड्स का 16-17% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम नहीं होती किसी भी
लिहाज से ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और इसके बाद जो सबसे आखिरी कारण है जिसकी वजह से मुझे ये कंपनी पसंद है, और वो है कंपाउंडिंग मशीन। जी हाँ, ये स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। कैसे? अगले 3 साल में कंपनी का मुनाफा होगा 5 गुना और कंपनी की सेल्स होगी 3 गुना। जिस तरह के एक्सपांशन प्लान पर चल रहे हैं, जिस तरह का कैपेक्स साइकिल है, अगर ये बरकरार रहेगी और जिसकी पूरी संभावना है, तो कंपनी अपना मुनाफा 5 गुना कर देगी। वित्त वर्ष 2023 में अगर आप देखिए तो 2022 में 8 रुपए के आसपास की ईपीएस है कंपनी की। इस साल 55 करोड़ का मुनाफा किया है, अगले साल 95 करोड़ के आसपास का मुनाफा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, 90-95 करोड़ का मुनाफा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑर्डर बुक 5 गुना बढ़ने की संभावना अगले 3 सालों में। तो अगले 3 साल इस कंपनी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग रहेंगे, और ऐसे में ये स्टॉक यहाँ से बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर आपको कैपिटल गुड्स में कोई एक कंपनी चाहिए जिसे आपको पोर्टफोलियो में रखना है, तो धीमे धीमे, क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में थोड़ा रनअप हुआ है, काफी भागा है, जैसे ही फंड्स की एक्टिविटी बढ़ी है, काफी फंड्स ने जो एंट्री की है उसके बाद स्टॉक में एक्शन भी आया, तो इसे इस लिहाज से आप जब भी कमजोरी मिले, नीचे आए, आप आराम से इसे ऐड करते रहें, खरीदते रहें। मेरे टारगेट्स भी बड़े हैं, एग्रेसिव है। 1350 रुपये का टारगेट आपके लिए पहला है, दूसरा 1650 और तीसरा 1950। 3 टारगेट रखे हैं दीप मैंने इसके लिए, 1350, 1650 और 1900। इन 3 टारगेट के लिए अनूप इंजीनियरिंग में बाजार की गिरावट में धीमे धीमे टुकड़ों में आप निवेश करते चलें SIP के तौर पर। ये एक बढ़िया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है।